आग लगा, घर बनाया, घर बनाया, फिर गंगा जी ले गया, अब कहाँ जाएगा? मेरे पहले आग लगता था। हाँ, तो घर बनाया, पेट जार के, पेट के घर जोर के आग, घर बनाया, घर बनाया तो अपन बल्ब जगह रखने के लिए बनाया, उसके बाद गंगा जी ले गया, अब कहाँ जाए कोई ठिकाना नहीं। ये जौन कटाव गंगा जी चल रही है अद्भुत रूप में धारण करके है, आ कि 5 बजे से लगाई आ अभी तक ले मैंने भसम कर दिली ढाई के कुल ही। अभी आज कोई घर भसला आज माय पलाते है ढह गई वो कोठी ढह तो लिए सुन जो धरती दल दलात रही है 20 घर ढहल भाई है बेरा आधा निकला है आधा वो पीछे घर रहा था वो सब ढह गया था। जवैनिया गांव में जो तस्वीर है वो बहुत भयावह है। बार बार हम कह रहे हैं कि इन तस्वीर को और यहाँ के लोगों के दर्द को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस कदर से यहाँ के लोग जीवन यापन कर रहे हैं और कितना डर के माहौल में जी रहे हैं। जो वास्तविक बातें हैं वो कुछ ऐसी हैं कि जवैनिया गाँव में पिछले महीना डेढ़ महीना से कटाव, भीषण कटाव जारी है। लगभग 60 से 70 घर विलीन हो चुका है। ये एक उसी में का घर है, इसका आधा हिस्सा गंगा में विलीन हो चुका है और ये भी जो बचा खुचा अवशेष है ये महज कुछ ही देरों में गंगा में विलीन हो सकता है। घर के जो लोग हैं, घर के जो गृहस्वामी हैं, वो जैसे तैसे जितना हो सकता है सामान को निकाल करके यहाँ से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए प्रयास में है। देख सकते हैं कि जो चौखट, दरवाज़ा, केवाड़ी, जो कीमती लकड़ी का या लोहे का होगा उसे निकाल लिया गया है, चूँकि जितना हो सकता है उसे बचाने के प्रयास में यहाँ के लोग जुटे हुए हैं। हम गांव के बाहर और घरों के बाहर भी हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से सामान यहाँ पर रखा गया है। जितना हो सकता है ग्रामीण चाह रहे हैं कि सामानों को हम बचा ले, गंगा अपने आगोश में ना ले। देख सकते हैं कि ये बक्सा जो है या फिर पीछे हमारे अलमीरा है, खाट, चौखट है, सब कुछ। ये जो तस्वीर है ये देखिए, एक बार आपको दिखा दें कि ये तस्वीरों में कि सारे कुछ को निकाल लिया गया है, जैसे तैसे जितना हो सकता है उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज की जो बात है वो कुछ ऐसी है कि कम से कम 15-20 जो घर है वो आज महज आधे से एक घंटा में विलीन हो गया है। आज क्या भैया, आज के डेट में ये जौन कटाव गंगा जी चल रही है अद्भुत रूप में धारण करके है, आ कि 5 बजे से लगाई आ अभी तक ले मैंने भसम कर दिली ढाई के कुल ही। आज कोई घर भसला आज माय पलाते गई वो कोठी ढह तो लिए सुन जो धरती दल दलात रही है 20 घर ढहल भाई है बेरा। हाँ, घर में भी कोई रहे पहले से? भागल भागल हाँ, इधर तो भागे लगल है आदमी सब रहल है। अभी तो होनिया एगो घर ढहल है जो में छजी पर मोए सामाने साजो रहल है, उन्हें के घर ढह रहे तो एमे ढहर एमे धराई रहा जौन की आदमी निकल के ओमे ढुक के निकाले ना पौले है। गांग नदी एकदम भयंकर रूप धारण कर ले बड़ी जवैनिया गाँव में। जवैनिया गाँव खत्म हो जाये? हाँ, एकदम खत्म हो जाये। अब का, अब तो ढहे गोल आधा है, थोड़ा सा रह गोल बा। देखिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए है जवैनिया गाँव में, जहाँ पर भयंकर बाढ़ की विभीषिका के बाद भयंकर कटाव हो रहा है। यहाँ पर देखिए हम यहाँ के महिलाओं से बात करते, काहे परेशान बनी, क्या दिक्कत भइल? सब गंगा जी के ढाही से दिक्कत में बनी, सब गंगा जी ढह दिया लिया का दिक्कत में। कितना मकान है? 20 आदमी 20 घर रह गए आज। पहले ही पोछा गई बा, पहले घर चल समूचा हिंकर घर, हमार घर, सब लोग के पोछा गए आज। घर भैल की ये भैल की 6 बजे से सुबह से हमार घर ढह गई है, तो सब दिन हम लोग सामान निकालने लगा है, निकालने के सब केवारी वारी सब तूर दिया है, तूर के सब निकाला है। आप लोग मैंने सोई थी तभी घर बसने लगा है? हाँ हाँ, सोई थी, सोते है और सूत के उठ के बैठा था नू, तले घर स्टार्ट हो गया था ढहने के लिए। कैसे महसूस हुआ है, कैसे क्या लगा है, कैसे लगा है घर टूट रहा है? इधर पछा घर रहा था। अच्छा, तो सब गिरा था तो आवाज दिया था नू, तो हम लोग उठ गया था कि चलो घर ढहे लगा, चलो घर ढहे लगा। आधा निकला है, आधा वो पीछे घर रहा था, वो सब ढह गया था। घर में थोड़ा सामान रहता है, थोड़ा बहुत निकाला था, थोड़ा बहुत ढह गया था। हाँ, स्थिति है आप लोग? बहुत स्थिति है, घर मकान सब ढह गया, ना खेत बधार है, ना घर के जमीन है, कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा कोई ठिकान नहीं है। सब जमा पूंजी कुछ नहीं है, कमाता है खाता है, कमाया पहले से आग लगा, घर बनाया, घर बनाया, फिर गंगा जी ले गया, अब कहाँ जाएगा? मेरे पहले आग लगता था। हाँ, तो घर बनाया, पेट जार के, पेट के घर जोर के आग, घर बनाया, घर बनाया तो अपन बल्ब जगह रखने के लिए बनाया, उसके बाद
गंगा जी ले गए, अब कहाँ जाए कोई ठिकाना नहीं। घर आपका खत्म हो गया? खत्म हो गया। कब घर आपका डूबा? कहो पहले बार वो गया हो, क्या घर हमारा मर दुतला मकान था, पाँच बस ही गया। रो क्यों रहा है? तो कहा गए तो रो आस नहीं आता है, बहुत बाल बचे का पेट जोड़ के घर बनाया। कितना पैसा लगाया था घर बनाने में? 6-7 लाख रुपये लगाया था। कहाँ से लाया था? कमा के लिया था, बाद में काम करता था अपन घर बनाया था। तो ये देखिए तस्वीर जो है, ये बिजयंती देवी हैं और हम लगातार आपको पूरी बात ग्राउंड जीरो से दिखाए हुए हैं। और यहाँ पर किनारे जो गंगा का किनारा है वहाँ पर भी जाने में थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि कौन सा किनारा कब कहाँ गंगा में विलीन हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। जवैनिया गांव की तस्वीर जो है, एक तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं जो कि आपको अंदर से झकझोर कर रख देगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप देखिए कितना मकान जो है आधा गंगा में विलीन हो चुका है। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों मकान है जो आधा अवशेष गंगा में विलीन हो चुका है और आधा ही बचा है जो कि अब किसी काम लायक नहीं है। और ये भी महज आधा घंटा और एक घंटा का ही का मेहमान है, एक घंटा के अंदर ये समा सकता है। हम अभी जहाँ खड़े हैं ये भी कभी भी गिर सकता है। तो जो स्थिति है जवैनिया गाँव की वो बहुत ही भयावह है। और यहाँ के जो सैकड़ों परिवार है वो विस्थापित हो चुके हैं, गाँव के स्कूल में, दूसरे के घर में, दूसरे के द्वार पर पॉलिथीन सीट में सहारा लिए हुए हैं। कहीं ना कहीं इन्हें एक बहुत बड़ी मदद राज्य सरकार की जरूरत की आन पड़ी है। लोकल 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।